सर, अगर हमारे इंडेक्स गिर रहे हैं, हमारे स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव है, हमारे ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट है, तो क्या यूएस में इन्वेस्ट कर लें? क्योंकि अब तो ये भी ऑप्शन हमें जल्दी मिलने वाला है। मैं आपकी एनएससी की पाठशाला भी देख रहा था, रवि वाराणसी साहब के साथ काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। बताइए सर, अब कैसे करेंगे यूएस में निवेश? इन्वेस्ट करें ना करें, इन्वेस्ट करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और वाकई में एनएससी एक बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ आ रहा है, जहां पर हमारे हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स अब सीधे अमेरिकी बाजारों में शेयर खरीद बेच पाएंगे। थोड़े वक्त में ये प्रोडक्ट आपके सामने होगा, गिफ्ट सिटी में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से शेयरों का ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म है। आपके जो रेगुलर ब्रोकर्स हैं, आई एम श्योर आमतौर पर ये सारे ब्रोकर्स वो गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड होंगे, और फिर उसके जरिए वो अमेरिकी बाजारों में वहाँ के ब्रोकर के साथ टाई अप करके सीधे तौर पर शेयर खरीद और बेच पाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे हिंदुस्तान में आकर एफआईज अपने शेयर खरीदते बेचते हैं, उसी तरह से हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ घर बैठे वो शेयर खरीद बेच पाएंगे। मजे की बात यह कि शुरुआत में 50 शेयर वो होंगे सारे जो आपके पसंद के हैं, कोई फेसबुक, कोई नेटफ्लिक्स, कोई अमेजोन, कोई एप्पल, कोई टेस्ला, इस तरह के शेयर्स होंगे जो लिक्विड और फेमस नाम है, और उसके बाद धीमे धीमे शायद ये लिस्ट बढ़ेगी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज दीप ये भी है कि जरूरी नहीं कि आप एक शेयर ही खरीदें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये जरूरी नहीं कि आप एक शेयर पूरा का पूरा खरीदें, फ्रैक्शन ऑफ शेयर भी खरीद पाएंगे, यानी कि आप $2-3 से लेकर $5 के बीच में मिनिमम आपको पैसा लगाना है। $2-3 का मतलब कितना हुआ, ₹200, और $5 का मतलब हुआ ₹350-400, ठीक है ना? उतने से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो आरबीआई की लिमिट है $2.5 लाख हर साल, यानी कि काफी लिमिट है, कम नहीं है, $2.5 लाख आप आराम से हर साल निवेश कर सकते हैं। तो इसकी तैयारी है, और आई एम श्योर हिंदुस्तान के लोगों को ग्लोबल मार्केट की तरफ एक्सेस करने का और डायरेक्टली इन शेयरों को खरीदने बेचने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा।